तो दोस्तों एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्विफ्ट कोड को आप इंटरनेट से कैसे सर्च कर सकते हैं, मतलब इसकी जो डिटेल है वो आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली दोस्तों स्विफ्ट कोड का यूज़ आप सभी जानते ही होंगे, जब आपके एडसेंस पे $10 कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका एक पेमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन है वो निकल के आता है, और उस पेमेंट सेक्शन पर जब आप अपने बैंक के जो डिटेल भरते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्विफ्ट कोड का। स्विफ्ट कोड का इसलिए मांगता है क्योंकि आपकी जो YouTube की जो पेमेंट है वो बाहर से आती है, तो यहाँ कन्वर्ट होने के लिए उसे डॉलर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होने के लिए आपको एक स्विफ्ट कोड उसमें डालना पड़ता है अपने बैंक का। तो आपको ये कैसे डालना है, आप इसको जो है अपने नज़दीकी बैंक जहाँ भी आपका मतलब अकाउंट है जिस भी बैंक में वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, और जो है आप इसको इंटरनेट से भी जो है सर्च कर सकते हैं। तो इंटरनेट से आप कैसे सर्च करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड सर्च करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये जो वेबसाइट है आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है बेस्ट वेबसाइट है स्विफ्ट कोड के लिए, www.swiftcode.com। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मैं इसको जो है दोबारा डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो आपका इंडिया ही रहेगा, और अगर आप जो है अदर मतलब कंट्री से हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है सिलेक्ट बैंक नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक होगा वो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरा PNB में अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, जिस भी स्टेट से आप हैं। उसके बाद आपको डालनी है अपनी सिटी। उसके बाद आपकी सिटी में जो जैसे मेरा PNB में अकाउंट है तो हरिद्वार सिटी में जो है जो भी हेड ब्रांच होगी PNB की उसका जो है आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अहमदपुर हरिद्वार जो है आ चुका है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट कोड की जो है पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आपकी सिटी में जो हेड ब्रांच होगी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसकी एक हेड ब्रांच होगी, उस बैंक का आपको जो है स्विफ्ट कोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी पेमेंट पहले उस बैंक में आएगी हेड ब्रांच में, उसके बाद आपके जो है लोकल बैंक में जो है जिसमें भी आपका अकाउंट है उसमें आपकी जो है पेमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इंटरनेट से जो है स्विफ्ट कोड को जो है इजी तरीके से जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।